हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी पिक्चर का एंड हो चुका है, सारे सस्पेंस ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसी पूरी पिक्चर के एक ख़ास पहलू पर आपसे एक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा स्टेट्स हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निवेशकों को धन वापसी की प्रक्रिया सेबी ने 2 जुलाई तक मांगे थे आवेदन। तो दोस्तों, ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला कंपनी के निवेशकों की धन वापसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए निकाला गया था, जिसमें रमाकांत शर्मा ने सत्ता इन्वेस्टर के पैसे नहीं लौटाने के मामले में साख खो चुके सहारा प्रमुख सुब्रत राय के जेल जाने के बाद निवेशकों के करोड़ों रुपये फंस गए थे। तो दोस्तों, निवेशकों को तय प्रारूप धन वापसी का आवेदन 2 जुलाई तक सेबी के मुंबई स्थित कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया था। इस संबंध में आयुक्त संस्थापक वित्त डॉक्टर मनोज गोविल ने डायरेक्ट को सूचित किया था कि सहारा की दोनों कंपनियां SIRCCL और SHICCL के निवेशकों की धन वापसी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। ऐसे में दोनों कंपनियों द्वारा जारी रियल एस्टेट, अवैध निर्माण, मल्टीप्लस इनकम हाउसिंग बॉन्ड धारकों को यह बताया जाए कि वे 2 जुलाई 2018 तक आवेदन से भी मुंबई स्थित कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर जांच पड़ताल तथा धन वापसी के लिए सेबी द्वारा विचार किया जाएगा। कुछ ऐसा मामला दोस्तों, ये सस्पेंस ख़त्म हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ जो इन्होंने बॉन्ड मंगाए थे आपकी इन स्कीमों के, तो वहाँ पर केवल 20,000 ही आवेदन वहाँ तक गए और बाकी आवेदन दोस्तों क्यों नहीं गए, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सीधी सी बात है कि कन्वर्ट हुआ हुआ पैसा है और ऐसे कन्वर्ट हुए हुए पैसे में आवेदन कहाँ से सेवी विभाग पर जाते। तो मामला जो है दोस्तों, सारा की दोनों कंपनियों निवेशकों को राशि नहीं लौटाने पर सेबी से शिकायत की गई थी। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी 31 अगस्त 2012 को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारा ग्रुप द्वारा चलाई जा रही 2 फाइनेंस स्कीम गैर कानूनी है, लिहाजा ग्रुप को इन्वेस्टर्स के रकम ब्याज सहित लौटानी होगी। दोनों फाइनेंस फर्मों ने इस वादे के साथ छोटे इन्वेस्टर को बॉन्ड बेचे थे। जी हाँ दोस्तों, गरीब निवेशकों को बॉन्ड दिए थे। 10 साल के बाद फेस वैल्यू का 3 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा, यह बड़ा लालच दिया गया था। सेबी का कहना है कि सहारा ने 2,07,00,000 इन्वेस्टर से 27,100 करोड़ रुपया जुटाए थे। तो दोस्तों, हमने आपसे जिक्र करा था सतना का, सतना के बारे में भी दोस्तों जो सब्ज बाग सहारा ने दिखाए थे, तो दोस्तों वो एक सहारा सिटी सब्ज बाग दिखाकर लोगों से काफी रुपया निवेश किया गया था। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निवेश में काफी संख्या में बड़े धन्ना सेठ भी शामिल थे और सोहावत माता मंदिर के सामने प्रस्तावित सहारा सिटी प्रोडक्ट में निवेश बढ़ाने की शुरुआती दौर में यहां तेजी से काम शुरू किया गया था, लेकिन सेबी द्वारा मामला न्यायालय में ले जाने के बाद यह काम पूरा ठप हो गया था। तो इसमें सैकड़ों लोगों का पैसा फंस चुका था। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियां इस वक्त सहारा सुब्रत राय की निवेशकों के सामने बनी हुई है कि दोस्तों, कि इसको जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही है उतना ये उलझती जा रही है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि 2,07,00,000 इन्वेस्टरों में से जो 27 करोड़ रुपया सेबी भाग के कार्यालय पर ये जमा किया गया था लौटाने के लिए, तो जिसमें कुल 106 करोड़ रुपया ही वापस निवेशकों तक पहुंचा। बाकी का जो 20,100 करोड़ रुपया था वो सहारा सुब्रत राय ने अपने वापस ले लिया, यानी कि पलटी मार ली उस पैसों की। निवेशक आज भी सहारा सुब्रत राय के जहाँ दोस्तों गुलाम है और सहारा सुब्रत चाहे तो पैसा देंगे, सहारा सुब्रत चाहे तो नहीं दें। तो दोस्तों, कुछ
ऐसी स्थिति इस वक्त आज भी 10 साल बाद निवेशकों की बनी हुई है। ऐसी स्थिति में दोस्तों सहारा निवेशकों के लिए इस वक्त एक ही कहावत सामने नजर आ रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेवी विभाग ने भी अपनी तय तिथि के आधार पर ही, जी हाँ दोस्तों, जो इन्होंने कहा था कि जो इन्होंने अपनी तारीख दी थी उस तारीख के आधार पर इन्होंने निवेशकों से कहा था कि इस तारीख से इस तारीख तक ही आप लोगों के 2 जुलाई तक ही आवेदन आप सबमिट कर सकते हैं, 2 जुलाई 2018 तक। उसके बाद दोस्तों आगे जो पैसा फंसा रहा निवेशकों का, वो निवेशकों तक नहीं पहुंच पाया और वो पैसा अब सुब्रत राय की जेब में वापस आ रहा है। तो दोस्तों निवेशक घर का राना घाट का धोबी का कुत्ते वाली कहावत इस वक्त निवेशकों के साथ बनी हुई है। तो दोस्तों ऐसे में निवेशकों का पैसा कैसे निवेशकों तक पहुंच पाएगा, ये एक बड़ा इस वक्त मैटर सभी निवेशकों के सामने है दोस्तों। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे ना कोई आज तक सुलझा पाया दोस्तों। ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। जो भी आगे कोई अच्छी खबर आपके लिए आएगी तो जरूर दी जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।